वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट को इस तरह से फ्लावर्स में एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ से न्यू पे जाता हूँ और 1920x1080 का न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। रेजोल्यूशन हम इसकी 72 रखेंगे। कलर आप फिलहाल कोई भी रख लीजिएगा, मैं वाइट ही रख रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के बाद मेरे पास ये एक फोल्डर है, इसमें कुछ फ्लावर्स के इमेजेस हैं। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप ये सेम यूज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इन तमाम को सिलेक्ट करता हूँ और यूँ ड्रैग करते हुए इस डॉक्यूमेंट में ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद आप यहाँ से वन बाई वन ओके करते जाइए। आप अपने कीबोर्ड से भी एंटर कर सकते हैं। इस तरह से इम्पोर्ट करने के बाद अब हम इन फ्लावर्स को इस कैनवस पर एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। आप रेंडमली कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने फ्लावर पे, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। इस तरह वन बाय वन करते जाइए। इस तरह से फ्लावर्स को एडजस्ट करने के बाद अब आप इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और इसका एक ग्रुप बना लेंगे। इसका मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फ्लावर्स टाइप करूँगा और यहाँ से एंटर करेंगे। अब हम बैकग्राउंड में थोड़ा कलर भी ऐड करते हैं। इसके लिए आप बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिए। आप यहाँ से भी कर सकते हैं टूल बार से, यहाँ से आप इसका कोई भी फॉन्ट यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे एरियल ब्लैक टाइप कर रहा हूँ। इसका साइज़ फ़िलहाल मैं 400 रखूँगा, बाद में हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कलर पिकर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं वाइट सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर दीजिएगा। अब हम कहीं भी क्लिक करेंगे और जो भी आप टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और लव यू टाइप करते हैं और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। मूव टूल सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से मैं सेंट्रलाइज करूँगा। करेक्टर पैनल को यहाँ से आप ओपन कर लीजिएगा। मुझे इसकी लीडिंग स्पेस को थोड़ा कम करना है। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है ये देखिए वर्टिकली, इसको हम लीडिंग स्पेस कहते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी इसको स्पेस रखना चाहते हैं रख लीजिए, मैं ऑलमोस्ट इतना रखता हूँ। और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। मैं इसको फिर से सेंट्रलाइज करता हूँ। इस तरह से सेंट्रलाइज करने के बाद अब आप फिर से अपने फ्लावर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने फाइनल कर लिया अपने टेक्स्ट को। ये देखिए, जैसे कि मैं इस वाले फ्लावर को थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसको मैं यहाँ रखता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसी तरह आप एडजस्ट करते जाइए। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ रखूँगा। इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं। इसी तरह वन बाय वन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह से फ्लावर्स को एडजस्ट करने के बाद इस ग्रुप को हम यहाँ से बंद करेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करते हुए इस ग्रुप की एक और कॉपी बना लीजिएगा। इस टेक्स्ट लेयर को आप सेलेक्ट कीजिएगा और यूँ ड्रैग करते हुए इन दोनों के दरमियान रखेंगे। ये देखिए, इन दोनों फोल्डर्स के दरमियान में इसको ड्रैग करते हुए रख रहा हूँ। इस तरह रखने के बाद आप टॉप वाले ग्रुप को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। लेयर मास्क ऐड करने के बाद अब हम अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखेंगे। ब्रश पैनल को ओपन कीजिएगा। आप यहां से हार्डनेस को 100% रखिएगा, यानी फुल रखेंगे। ब्रश के साइज़ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम जिन एरियाज़ को नहीं दिखाना चाहते हम उन एरियाज़ को मास्किंग करेंगे। ये देखिए, इस वाले फोल्डर पर हमने मास्क लगाया है जो कि फ्रंट पर है, तो मुझे फ्रंट से यहाँ से नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं मास्क करूँगा। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। यहाँ से मैं इसको स्वाइप करता हूँ, ब्लैक करेंगे और ये देखिए,
यहाँ से मैं पेंट करता हूँ इस तरह से। यहाँ से भी मैं पेंट करता हूँ। हमें पीछे वाली लेयर दिख रही है, फ्रंट वाली हमने यहाँ से इसको मास्क कर दिया, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसी तरह आप जिस एरिया को रखना चाहते हैं उसको रखते हुए बाकी एरिया पे मास्किंग करते जाइए। जैसे कि मुझे यहाँ से टेक्स्ट दिखाना है तो यहाँ पे भी मैं मास्किंग करूँगा इस तरह से। लेकिन इन वाले फ्लावर्स को मुझे दिखाना है तो मैं एक्सप्रेस करता हूँ, फोरग्राउंड कलर वाइट करेंगे और यहाँ इसको वापस लेके आएंगे हम पेंट करते हुए, अनमास्क करेंगे, फिर से एक्सप्रेस करता हूँ और इस एरिया को मुझे मास्क करना है तो यहाँ से मैं पेंट करूँगा इस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मास्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पे शेडो ऐड करेंगे। आप टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से जाएंगे एफएक्स में और यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ आने के बाद इसके एंगल को मैं यहाँ पे 120 डिग्री रखूँगा, ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई रखेंगे, कलर ब्लैक रखेंगे, ओपेसिटी को हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं 35 टाइप कर देता हूँ। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 14 टाइप करेंगे, स्प्रेड हम यहाँ पे 10 रखेंगे और साइज़ को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये देखिए कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा, यहाँ पे मैं 12 ही रखता हूँ। ये वैल्यूज़ देने के बाद मैं थोड़ा सा इसको साइड पर करता हूँ, ये देखिए आप इसकी ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 40 के आसपास रखूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इस ड्रॉप शेडो के स्मार्ट फिल्टर को अलग से एक लेयर बनाएंगे, इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से क्रिएट लेयर पर क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए ये अलग से लेयर बन चुकी है, मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। अलग लेयर बनाने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ से वॉप यूज़ करते हैं और इसकी पोजिशन में थोड़ी सी एडजस्ट करना चाहता हूँ। आप यहाँ से इसको इस तरह से मूव करते जाइए जहाँ भी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम करूँगा, यहाँ पे मैं 75 टाइप करता हूँ और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। इसी तरह हम इस टॉप वाली लेयर जो कि फ्लावर वाली लेयर है इस पर भी शेडो क्रिएट करेंगे, इससे ये और बेहतर लगेगा। हम इस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, आपका मास्क सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, आपका ये फोल्डर सेलेक्ट होना चाहिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर से जाएंगे एफएक्स में और यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मैं इसका थोड़ी सी ओपेसिटी को इनक्रीज़ करता हूँ, 40 के आसपास लेके जाता हूँ। इसके डिस्टेंस को भी मैं थोड़ा सा इनक्रीज़ करूँगा और ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम करूँगा, ऑलमोस्ट 24 पे रखते हैं और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसके ड्रॉप शेडो को भी हम अलग से एक लेयर बनाएंगे, राइट क्लिक कीजिए इस पर और क्रिएट लेयर पर क्लिक कर दीजिए। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, राइट क्लिक करेंगे और यूज़ करेंगे वॉप और इसको भी आप उसी की तरह एडजस्ट कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट यहाँ रखेंगे। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसकी ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा कम नहीं करूँगा, 90% करता हूँ। कुछ एरिया से अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से लेयर मास्क ऐड कर दीजिए, ब्रश टूल सेलेक्ट कीजिएगा और ये देखिए जैसे कि इस एरिया पे मुझे लगता है इसको मास्किंग करनी चाहिए तो यहाँ से मैं इस तरह से ब्रश करूँगा। लेकिन इससे पहले आप ब्रश को यहाँ से हार्डनेस इसकी ज़ीरो कर लीजिएगा और इस तरह से हम पेंट कर देंगे जिन एरिया से हमें शेडो नहीं चाहिए। इस तरह से पेंट करने के बाद कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट फ्लावर्स में अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। इस तरह इन स्टेप्स पर अमल करते हुए आप भी इजीली इस तरह का टेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।